बच्चों, हम लोग व्याकरण जो पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग अव्यय पढ़ रहे हैं, उसी के सिलसिले में आज तीसरा पाठ में हम लोग अव्यय को आगे बढ़ाते हुए उसको देखते हैं कि उसमें और क्या है। तो बच्चों, हम लोग पहले ही अव्यय जो देखे हैं कि अव्यय जिस है उसे अविकारी शब्द भी कहते हैं, और अविकारी शब्द यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग लिंग वचन पुरुष या काल के कारण विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, हम लोग अव्यय का पांच भेद देखे थे, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। बच्चों, इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं, संबंध बोधक भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो इसी में बच्चों हम लोग देखते हैं समुच्चय बोधक, कि समुच्चय बोधक अथवा योजक, इसको समुच्चय बोधक भी कहते हैं और योजक कहते हैं। योजक मतलब होता है जोड़। एक वाक्य है, उसमें एक वाक्य से जिसमें हम और कोई चीज को जोड़ते हैं, या उसे हम लोग संयुक्त वाक्य भी कह सकते हैं। संयुक्त वाक्य में पढ़ते हैं, देखते हैं क्योंकि की जैसे से एक वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है। तो उसी तरह से कि समुच्चय बोधक भी है कि हम किस तरह से एक वाक्य को दूसरे से जोड़ते हैं। तो बच्चों, पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें है दो शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। बच्चों, इसमें देखो, दो शब्द को वाक्यांश को, वाक्य नहीं है, वाक्यांश यानी वाक्य का एक अंश है, वाक्यों को अथवा वाक्यों को परस्पर यानी एक दूसरे से मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक या योजक, जिसको जोड़ते हैं, दो वाक्य को हम जोड़ते हैं। तो बच्चे, इसको हम लोग उदाहरण से देखते हैं। राम बाजार गया, एक वाक्य है, राम बाजार गया, राम बाजार गया और उसने मिठाई खरीदी। क्या है बच्चों? और उसने मिठाई खरीदी। राम बाजार गया और उसने पुस्तक नहीं खरीदी, क्या खरीदी? राम बाजार गया और उसने पुस्तक मिठाई खरीदी, सॉरी। तो इसमें देखो, जोर किस से रहा बच्चों? और से। तो और क्या हो गया हमारा? समुच्चय बोधक अव्यय। राम बाजार गया एक वाक्य है, और उसके दूसरे उसने मिठाई खरीदी एक उपवाक्य है, उसे कौन सा योजक चिन्ह है? समुच्चय बोधक और। राम बाजार गया और उसने मिठाई खरीदी। जैसे है, राम आया और श्याम चला गया, राम आया और श्याम चला गया। तुम लोग जाओ किंतु मैं नहीं जाऊंगा, इसमें कह रहे कि तुम लोग जाओ किंतु मैं नहीं जाऊंगा। किंतु से जुड़ा हुआ है इस वाक्य, तुम लोग जाओ मैं नहीं जाऊंगा। तो इसमें और जुड़ा हुआ है किंतु से, तुम लोग जाओ किंतु मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, कह रहे कि परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो ये और किंतु ताकि अन्यथा, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे और उदाहरण देखते हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, तुम पढ़ो या सो जाओ, या तो तुम पढ़ाई करो या तो सो ही जाओ। मैं भागा जिससे गाड़ी पकड़ सकूं, इसे जिससे मैं भागा, मैं जल्दी से भागा जिससे गाड़ी पकड़ सकूं। तुम्हें कक्षा में प्रथम आना है इसलिए दिन रात मेहनत करो। बच्चों, ये अंडरलाइन जो किया हुआ है, रेखांकित शब्द है, ये है अव्यय। कि मान लो, सपोज तुम्हें दिया हुआ रहेगा, ये मिटा देंगे, कि इसमें खाली जगह रहेगा, राम बाजार गया, खाली जगह है, उसने मिठाई खरीदी, अव्यय शब्द भरना है। तो क्या करना है? राम बाजार गया और क्या भराएगा? और राम बाजार गया और उसने मिठाई खरीदी। तो ये है समुच्चय बोधक अव्यय, इसे कहते हैं समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं बच्चों? योजक भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें, समुच्चय बोधक शब्द क्या है? दो शब्द राम बाजार गया और मिठाई खरीदी। वाक्यांश है बाजार गया और मिठाई खरीदी। अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं।
इसका एक और दूसरा उदाहरण है, जो अव्यय पद एक शब्द या दूसरे शब्द से एक वाक्य का दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश से दूसरे वाक्यांश से एक वाक्यांश से दूसरे वाक्यांश का होगा। यहाँ वाक्यांश का संबंध जोड़ते हुए समुच्चयबोधक अव्यय अथवा योजक कहलाते हैं। क्या कहा है, वो जो अव्यय पद एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक शब्द का दूसरे शब्द से, या फिर एक वाक्य का दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश से दूसरे वाक्यांश का, वाक्यांश मतलब होता है वाक्य का अंश, से संबंध जोड़ते हैं वे समुच्चयबोधक कहलाते हैं। इसमें वाक्यांश क्या है, राम आया श्याम चला गया, तो इसमें राम आया और श्याम चला गया, इसको जोड़ रहा है कि राम के आने के बाद श्याम गया। राम पहले नहीं चला गया, राम कब गया है, राम आया उसके बाद श्याम चला गया, यानी कि श्याम पहले ही चला गया उसके बाद राम आया, राम आया और श्याम चला गया। उसने बाजार गई, राम बाजार गया और मिठाई खरीदी। परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, फेल होने का किससे है, परिश्रम से, परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो एक वाक्यांश का दूसरे से उसका संबंध है कि परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, है ना। मैं भागा, वो यदि नहीं भागता तो गाड़ी पकड़ नहीं सकता, अरे तुम्हें कक्षा में प्रथम आना है इसलिए दिन रात मेहनत करनी है। तो एक का संबंध वो दूसरे से है, इसमें क्या है, और या अथवा किंतु परंतु इसलिए नहीं तो ताकि तो अर्थात अन्यथा, ये और बहुत सारे है अव्यय शब्द समुच्चयबोधक अव्यय। बच्चों अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक, विषमय अर्थात विस्मय आश्चर्य, वो आदि के योग से बना है। प्रत्येक भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई वस्तुपरक अर्थ नहीं होता है, उनसे केवल विभिन्न मनोभाव अभिव्यक्त होते हैं, मनोभाव अभिव्यक्त होते हैं, जैसे विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि। मनोभावों के कारण इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है, ये भी अव्यय ही होते हैं, इनका भी रूपांतर नहीं होता है। इन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, क्योंकि वाक्य का मुख्य काम जो विधान करता है उसमें इनके योग से कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। इसमें कह रहे कि विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक जिसमें कि है वो आश्चर्य, विस्मय का शब्द होता है आश्चर्य, में आदि प्रत्यय जोड़ करके उसके योग से शब्द बना है, जिसमें ये शब्द ऐसा होता है जिससे कि वाक्य में प्रयोग से उस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ एक विशेष तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे आह, ओह, हे राम। तो इस तरह से करने का क्या अर्थ होता है कि कोई आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं या दुख प्रकट कर रहे, ओह। तो इस तरह से है कि विस्मय शब्द, विस्मय अर्थात आदि के योग से प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका कोई वस्तुपरक अर्थ नहीं होता है, वस्तुपरक मतलब उसका शाब्दिक कोई अर्थ नहीं होता है, उनमें केवल विभिन्न मनोभाव अभिव्यक्त होते हैं। मनोभाव मतलब हमारी मनोदशा, क्या हम दुखी है तो कहे आह, कहीं कष्ट हो रहा है, चोट लग गया तो कहते हैं आह, करते हैं ना, तो हमारे मनोभाव दिखता है कि हम कष्ट में है, या कोई किसी को कहीं किसी का दुर्घटना या किसी तरह का कोई सुनते हैं तो हम लोग दुख व्यक्त करते हैं, ओह ऐसा हो गया, या फिर खुशी के पास होते तो आह करते हैं। तो ये हमारी मनोभाव यानी हमारी दशा को दर्शाता है कि हम कैसे उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको उच्चारण में कोई विशेष तरह की होती है, खुशी दिखती है या दुख होता है। तो इस तरह से इन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता है, क्योंकि इनका मुख्य काम जो विधान करता है वो उसमें उनका कोई सहयोग नहीं होता है। इसके दूसरे एक उदाहरण परिभाषा है, अनेक मनोभावों में एक भाव विस्मय, यानी कि विस्मय को क्या कहते हैं, आश्चर्य का भी होता है, उसी को मुख्य मानकर इन अव्ययों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। किसमें, विस्मय को, जैसे आह, आ, हाय, वाह, ओह, धी, हे, कहते हैं हम लोग, अजी, हे राम, धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया, जिंदाबाद, सावधान, होशियार, खबरदार। तो इस तरह से करते हैं, तो एक मनोभाव एक हमारी स्थिति को वो दर्शाता है। बच्चों हम लोग जानते हैं विस्मयादि बोधक का इसका चिन्ह है, एक देते हैं उसके नीचे एक बिंदु लगाते हैं, तो ये है हमारा विस्मयादि बोधक का चिन्ह, जिसमें सब में आहा, आ, हाय,
वाह ओह धी, कोई गंदी चीज को देखते हम लोग छी करते हैं तो मुंह का एक चेहरे की भी बनावट होती है ना कि हम कैसे कर रहे हैं छी, खुशी व्यक्त करते आह तो हमारे चेहरे में ये उल्लास झलकता है। तो उस तरह से है कि ये है विस्मयादि बोधक कि इस तरह से इसका प्रयोग में करते हैं प्रयोग, लेकिन इसका कोई शाब्दिक या उस तरह से अर्थ नहीं होता है, सिर्फ हमारी मनोभाव को ही दर्शाता है बच्चों। और हम लोग पांचवा है निपात। बच्चों निपात को बालाघात भी कहा जाता है, कोई भी वाक्य में इसको हम लोग प्रयोग देते हैं बल देने के लिए, है ना, कि निश्चित शब्द शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य का अन्य भावार्थ प्रदान करने हेतु जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं निपात। निश्चित शब्द या शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य में अन्य भावार्थ प्रदान करने हेतु जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें निपात कहते हैं। ये सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य अंग नहीं माने जाते हैं। कौन सा? निपात जो है वो सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य अंग नहीं माने जाते हैं। वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। जैसे आशा घर में ही रहेगी, इसमें क्या है? निपात है ही। आशा घर में ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। चाहे बाकी लोग कहीं जा रहे, घूमने जा रहे या शादी विवाह में जा रहे हैं, तो आशा कहाँ रहेगी? वो घर में ही रहेगी। तुम भी मेरे साथ चलना, इसमें भी है, जोर दे रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलना। बात अपने तक ही रखना, बात अपने तक ही रखना, किसी को बतलाना नहीं। राम पढ़ता तो है, क्या है? पढ़ता तो है मगर भूल जाता है। वो नहीं पढ़ता ऐसी बात नहीं है, राम पढ़ता तो है लेकिन वो भूल जाता है। केवल तुम ही जा सकते हो ही, केवल तुम ही जा सकते हो, और कोई दूसरा वहां नहीं जा सकता है, केवल तुम ही जा सकते हो। इस तरह से इन वाक्यों से निपात शब्द है, इसमें से पता चलता है कि हम किसमें बल दे रहे हैं, कि उस वाक्य को उसमें समग्र अर्थ प्रकट करता है कि आशा घर में ही रहेगी। आशा घर में रहेगी तो नहीं भी रह सकते, लेकिन घर में ही रहेगी, ही है, उसको बल दे रहा है कि वो वहां से कहीं नहीं जाएगी। तुम भी मेरे साथ चलना, तुम भी यानी कि बाकी लोग जा रहे हैं उसमें से तुम भी मेरे साथ चलना। जैसे और उदाहरण दे सकते हैं, तुमने ही चोरी की है, किसी और ने चोरी नहीं की है, किसने की है? तुमने ही चोरी की है, या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से है निपात शब्द है। बच्चों आज हम लोग का अव्यय या अविकारी शब्द का ये जो वीडियो था पढ़ाने का, ये आज पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो पढ़ेंगे, दूसरे चीज़ दूसरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे।